फाइनली दोस्तों आ चुके हैं हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पर। और दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पे थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट को पता था कि पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट के पेमेंट मिल चुके हैं। एटलीस्ट कुछ ही ऐसे स्टूडेंट है जिसमें से मतलब जिनका पेमेंट अभी पेंडिंग में है ड्यू टू यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी मोड, और कुछ जो फ्रेश हैं उनका तो सभी का बाकी है। बाकी चीज़ों को हम बाद में दरकिनार करते हैं, फिलहाल के लिए हम बात करते हैं ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, इसमें आप देख पा रहे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत जो आपका आता है कौन सा है ये है। इसमें जैसे ही आते हैं तो ये स्कीम क्लोजिंग डेट अभी भी 15/11/2022 है, तो आखिर ये ओपन कब होगा इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को आप एट दी एंड तक ज़रूर देखिएगा और कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि डेली हम कुछ ना कुछ यहाँ चीज़ें लेके आते हैं और डेफिनेटली वो नेक्स्ट डे या फिर जो भी डेट मैं बताता हूँ उसके अकॉर्डिंग ये सही साबित होती जाती है, क्योंकि यार जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और जो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर मुझे लगता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे भी वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही पता चलता है, जिसको वजह से मैं आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन कोशिश करता हूँ ऑन टाइम पहुँचाने की। इसी के क्रम में एक और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की डेट कब ओपन होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी इसकी स्कीम क्लोजिंग है, तो चलिए एक पीपीटी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2023-24 का जो हमारा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का जो फॉर्म है वो बेसिकली यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर इसका जो डेट है वो कब ओपन होगा, स्कीम क्लोजिंग डेट जो जो कि आप देख सकते हैं ये कब ओपन होगा, और डिफेक्टिव वेरिफिकेशन और इसके साथ ही यहाँ पे जो भी है वो सारी डेट कब ओपन होगा उसी के बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी बात यहाँ पे आप जानने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम था मैंने पहले ही बताया था कि ये फेब के मंथ में यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। तो ये फेब के मंथ में स्टार्ट हुआ था, मतलब फेब्रुवरी आने से पहले सभी स्टूडेंट का स्टेटस सेंड टू पीएफएमएफ यस पे चला गया था। सेंड टू पीएफएम जो एनएसपी का स्टेटस है सेंड टू पीएफएमएफ वो यहाँ पे आपका यस हो गया था, और फाइनली पीएफएमएफ में स्टेटस आपका क्या दिख रहा था, स्टेटस जो था पीएफएमएफ पे वो अपडेटेड दिख रहा था, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया था। 15 फरवरी की दिन आती है और 15 फरवरी की आप सभी स्टूडेंट के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है पैसे, कुछ स्टूडेंट नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ वेट करिए, आपके लिए भी बहुत जल्दी यहाँ पे क्रेडिट होगा। ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं फॉर्म ओपन कब होगा, देखो यार जैसे कि हमने बताया था ये इन्फॉर्मेशन उसके नेक्स्ट डे ही हमने एक वीडियो बनाई थी कि आपको इस वीक में बताया था, एग्जैक्ट डेट नहीं बताया था लेकिन वीक तो छोड़िए, उसके नेक्स्ट डे पेमेंट आना स्टार्ट हो गया। फिर हमने बोला था कि यूआईडी नेबर इनेबल जो आपका जो प्रॉब्लम है जिन स्टूडेंट या प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं इस तरीके के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं इनका भी स्टेटस बहुत जल्दी अपडेट होगा, और फाइनली उसके बाद से इनका स्टेटस अपडेट होके और फाइनली अभी पेंडिंग हो गया है, मतलब कि इनके काम स्टार्ट हो चुका है, मतलब इनका फाइल सिर्फ पेंडिंग है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे यूआईडी नेवर इनेबल वाला प्रॉब्लम को अपना सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है उनका यहाँ पे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पे भी ये काम स्टार्ट हो चुका है, आपका फॉर्म सिर्फ पेंडिंग है। अब बात आती है तो जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई तो आपको नहीं लगता अब सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट बचा है, दैट इज़ द फ्रेश स्टूडेंट जिनकी मेरिट लिस्ट आनी बाकी है जो माइनॉरिटी का स्टूडेंट है, और उसके बाद से इनका जो है वो इनको पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट जो है फ्रेश है इनका मेरिट लिस्ट का काम बचा है, अब मेरिट लिस्ट के जस्ट बाद से इनका सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी में एक ही काम बचता है कि ओपनिंग डेट, मतलब इनका डेट ओपन करने के लिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेश स्टूडेंट की, उसके बाद से डेट पे आएंगे। देखो फ्रेश स्टूडेंट का यहाँ पे देख सकते हो कि इनका जो मेरिट लिस्ट है मेरिट लिस्ट पहले आएगी, फिर मेरिट लिस्ट आने के बाद से उनका यहाँ पे सेंड टू पीएफएमएफ होगा, फिर पेमेंट होगा। ठीक है, तो फ्रेश स्टूडेंट जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनका जो मेरिट लिस्ट का यहाँ पे काम है वो इसी मंथ में उनका भी यही पे मतलब बोल रहा हूँ कि इसी मंथ में इनका क्या हो जाएगा स्टार्ट हो जाएगा, गारंटी के साथ दोस्तों बोल रहा हूँ। डेफिनेटली आप इस वीडियो के नीचे जरूर आके बाद में कमेंट करोगे हाँ सर बिल्कुल आपने सही कहा था, इसी मंथ में इनका जो होगा पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, उससे पहले भी हो सकता है, देख लीजिएगा फरवरी के एट द एंड में जो कि इन्फॉर्मेशन मुझे अभी तक मिली है वहाँ से मैं बता दूँ, कोई ऑफिशियल नहीं है फिर भी जो भी डेटा बेसिस के थ्रू या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन में मुझे मिलती है उसी के बेसिस पे बता रहा हूँ अभी। तो फिलहाल जो भी दो तीन अपडेट्स मैंने बताया वो सारे सच हुए, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये भी इसी फरवरी मंथ के एंड में यहाँ पे हो सकता है कि आने की पूरी पूरी संभावना है। राइट, अब बात करते हैं ओपनिंग डेट की, तो ओपनिंग डेट में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी फॉर्म जो ओपन होने वाली है इसकी फॉर्म भी फरवरी के लास्ट में होगी, और फरवरी के लास्ट टू यहाँ पे मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगी। इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ,
फॉर्म तो ओपन हो जाएगी, ठीक है, ये डेट आपने समझ लिया। लेकिन इससे पहले एक बहुत मेजर यहाँ पे चैलेंजेस है। सबसे पहले जो हम फ्रेश रिन्यूअल स्टूडेंट है उनके लिए बता देते हैं, जो हमारे रिन्यूअल कैंडिडेट हैं, रिन्यूअल स्टूडेंट है, सपोज डेट आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर में पढ़ते हो और सेकेंड ईयर में आपको इस साल पेमेंट यहाँ पे क्या हो गया है, क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे भले आपका ये फॉर्म डेट ओपन हो या ना हो, आपको डेली बेसिस पे अपना स्टेटस क्या है चेकआउट करते रहना है। और जैसे कि यहाँ पे आपका रहता है होम रहता है, चेक योर स्टेटस रहता है, एक और ऑप्शन होता है, यहीं पे एक ऑप्शन आ जाएगा आपका अप्लाई फॉर रिन्यूअल, राइट। ये नहीं कि आपको कहीं स्पेशल से कोई और टैब मिलेगा, आपको अप्लाई फॉर रिन्यूअल का एक ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो फिर आपको यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मांगेगा वो आपको फिल कर देना है। तो ये चाहे आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर के, रिन्यूअल वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिनको अभी पेमेंट मिल रहा है फिर फ्रेश किया जाते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे देखना है कि कास्ट सर्टिफिकेट आप अपना यहाँ पे बनवा लीजिएगा, देख लीजिएगा एक्सपायर तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो यूपी वाला है वो बेसिकली 3 साल के लिए वैलिड है अगर आप अपर मजिस्ट्रेट के या फिर तहसीलदार से बनवाते हैं। बिहार का जो है वो 1 ही साल का होता है, झारखंड का आई डोंट नो कि 1 साल का होता है, कश्मीर का भी 1 ही साल का होता है। तो इस तरीके से आप एक बार डेट ऑफ आउट ऑफ डेट चेक कर लीजिएगा, नहीं तो ऑन टाइम हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए ओपन हो, क्योंकि बार बार बढ़ाने की इनकी तो नीड है नहीं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कास्ट सर्टिफिकेट पे ध्यान रखिएगा और कोई सर्टिफिकेट आपको नीड नहीं है, बोनाफाइड भी आपको ऑन टाइम डाउनलोड करके स्कूल से हो जाएगा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आई होप सो होंगे रिन्यूअल। जो भी फ्रेश इस साल है, जो इस साल फॉर्म भरना चाहते हैं, आप सभी को पता है कि जो हमने बताया था डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका आय हो गया, जात हो गया, मतलब कि आधार कार्ड आपके हो गए, उसके बाद से आपके कॉस्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद से इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट के बाद से ये कास्ट, सॉरी यार मैं कास्ट बोल दिया, ये इनकम होगा, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, फिर फोटोग्राफ स्टूडेंट की, फिर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो फ्रेश कैंडिडेट हैं जिनका इस साल यहाँ पे पैसा नहीं आया है, वो भी तो अगले साल रिन्यूअल हो जाएंगे, तो वो इस कैटेगरी में है। लेकिन जो इस साल भरने वाला है, जो बिल्कुल अभी इस साल भर एक भी बार भरे नहीं है, उनके लिए जो अभी मैं बताया हूँ, जितना भी इनकम इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और जो भी आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके साथ ही आधार कार्ड, इसके साथ ही आपके पेरेंट्स डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ ही आपको बोनाफाइड तो सर्टिफिकेट वहीं से मिल जाएगा, फी रिसिप्ट, पिछले साल का रसीद और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिएगा, जो एक भी बार अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे गारंटी के साथ यहाँ पे देख सकते हैं फरवरी के एट दी एंड में या उससे पहले ही, या मार्च के फर्स्ट वीक से पहले पहले आपको डेफिनेटली ये डेट ओपन हो जाएगा। तो आप डेट की चिंता मत करिए, डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए, क्योंकि इस बार जो है बहुत तगड़ी होने वाली है। और डॉक्यूमेंट क्या, एक और बैंक जो है स्पेशल बैंक कंडीशन यही है कि आपका डीबीटी मोड होना चाहिए, ना कि आधार कार्ड से सिर्फ मतलब लिंक है। मतलब लोग सोचते हैं कि आधार कार्ड से मेरा बैंक ओपन है तो मेरा डीबीटी लिंक होगा, ऐसा नहीं है। तो डीबीटी मोड जो फ्रेश स्टूडेंट है वो भी चेक कर लीजिएगा, रिन्यूअल स्टूडेंट आपको तो पता ही चल जाएगा, पैसा जिसमें आएगा वही आपका इस साल डीबीटी का होगा, तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, तो आप फिर कमेंट में मत पूछिएगा फॉर्म डेट कब ओपन होगा, फिर मैं बता रहा हूँ फरवरी के एट दी एंड में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो इतने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ में यार वीडियो को जरूर लाइक करिए, और पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए उन स्टूडेंट को जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है, जो स्टूडेंट इस साल फॉर्म भरना चाहते हैं। तहे दिल से शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, थैंक यू।